आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जो कि हम दरगाह के आगे निकल चुके हैं तो सोंडी ब्रिज भी दिख रहा है सामने आपको। दरगाह के बहुत ही दूर निकल चुके हैं और नज़दीक आने वाला है बहुत ही झरना, काफ़ी खूबसूरत झरना है जो वागुर नदी का ही आता है, काफ़ी खूबसूरत झरना है। तो देख आगे देखिए आप, काफ़ी नीचे एक आवाज़ भी आ रही हुई आपको, जो उसकी आवाज़ है झरने की गिरने की आवाज़ भी आ रही हुई आपको, क्योंकि दो पहाड़ मिलते हैं उधर दरम्यान में। एक मुखपाट से जो मुखपाट सेवर से एक पहाड़ आता है, अजंता लेनी से जो एक पहाड़ आता है वो काफ़ी खूबसूरत पहाड़ है, उस पर पानी भी एक जगह होता है। हमारा रिक्शा उस पार जा रहा है, अनोखा खतरा भी बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ही खुश हो रहे हैं। देखो पानी की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा है, अब इससे ज़्यादा रफ्तार तुमको आगे देखने में मिलेंगी, क्योंकि डबल पहाड़ में जो पानी गिरता है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही भारी गिरता है। देखो रिक्शा आप उधर इधर ये थड़ी पर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही हार्ट है कर डाले उन्होंने, सक्सेसफुल हो गए। हम जाने का इसी रास्ते से जाना है वापिस में, तो इस तरफ से चढ़ेंगे हम सोंडी ब्रिज है, बहुत ही खूबसूरत जगह जा रहे हैं हम, और काफ़ी खतरा है यहाँ, शेर हुए, रीछ है, लांड के तड़स, काफ़ी जंगली जानवर है इधर। तो भाई इस अजंता के रहने वाले हैं तो हमको पता है सब, हम लोगों का अगर शेर दिखता भी है तो कोई हरकत नहीं करने की, एक ही जगह खड़े रहने का है। फिसलन का रास्ता है यहाँ, काफ़ी फिसलन का रास्ता है, ये सेवाल है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है, इंसान इस पे से रपट जाता है, हाथ पाँव टूटने का भी डर है। फिर फिसलन का रास्ता था यहाँ, काफ़ी जूम करके बता रहे, काफ़ी दूर थे हम। वागुर नदी का दूसरा झरना है ये, तो उसके करीब पहुंच चुके हम। बहुत का रास्ता है जो जाने का रास्ता है, काफ़ी चिकनाट है इस पर, जो सेवाल बोलते हैं इसको, जिस पर फिसल सकता है, चिकना होता है, बहुत चिकना होता है। ये आ रही है हमारे आबिद भाई को चलने के लिए, काफ़ी करीब पहुँच गए हम बाल समंदर जिसको बोलते हैं हमारे अजंता में, जो बाल समंदर बोलते हैं जिसको, हम वहाँ पहुँच गए, काफ़ी थोड़े करीब ही है हम। आप लोग जब भी यहाँ आए तो पानी में उतरने की गलती नहीं करना का है, चाहे तिरना भी आओ आपको फिर भी पानी में नहीं उतरना, क्योंकि स्पीड पानी की बहुत
और बता नहीं सकते, काफ़ी ऊपर बारिश हुई तो काफ़ी बड़ा पुर आता है यहाँ। और यहाँ जिस झरने का इंतज़ार था उस झरने पे हम पहुँच गए। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है जो कि डबल पहाड़ बोलते हैं इसको। एक पहाड़ ख़त्म होता है, ये डबल पहाड़ है दूसरा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है झरने का, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और काफ़ी मेहनत से हम निकाल रहे हैं वीडियो। उस तरफ जाने वाले हैं। देखो भाई लोग, वीडियो बहुत ही मुश्किल से बन रहा है क्योंकि अब बहुत ही हार्ड और बहुत ही खतरनाक जगह से चल रहे हैं आरिफ चचा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो आप तक पहुँचाएंगे हमारे आरिफ चचा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। काफ़ी मुश्किल से शूट करना पड़ता है, कितनी मुश्किल जाती है शूट करने के लिए। तो ऐसे ऐसे रास्ते पे गुजरना पड़ता है। खूबसूरत मंजर है, कैसी कैसी मुश्किलात से। यह बाल सपंदर का झरना, वाटरफॉल वागुर नदी का, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ये बहुत ही कम है अभी, जो ज़्यादा पानी आता है स्पीड से पानी आता है, बहुत ही ज़्यादा पानी रहता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। और ये दो बच्चे बैठे हुए नीचे जो कि मच्छा पकड़ रहे हो। देखिए काफ़ी खूबसूरत मंजर है। तो काफ़ी मज़ा आया हमको। तो झरने का जो बाल समंदर, जिसको बाल समंदर बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पूरा पहाड़ी इलाका है और माशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है आपको आगे भी। थोड़ा जूम करके बताते हैं आपको झरना। ये बाल समंदर है जो कि हमारे अजंता के लोग इसको बाल समंदर बोलते हैं। काफ़ी खूबसूरत मंजर है। अभी कम पानी है, जो और ज़्यादा पानी रहे तो बहुत ही मज़ा आता है। और इस आगे जाने का हमको डबल पहाड़ है शूट करने को। आगे का सीन भी आपको बताएंगे।